फ्रेंड्स, आज के हम जानेंगे बैटरी और सेल के कनेक्शन सीरीज और पैरेलल में कैसे किए जाते हैं। यानी अगर हम बैटरी और सेल के कनेक्शन सीरीज और पैरेलल में करते तो हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, एम्पीयर ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, यानी कितना मिलेगा, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले मैं आपको जो हमारी बैटरी और सेल होते हैं उसके सीरीज और पैरेलल में थियोरेटिकल आपको कनेक्शन समझा दूंगा। उसके बाद हम प्रैक्टिकली डेमो देके देखेंगे कैसे उसके सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन किए जाते हैं। तो पहले मैं आपको बैटरी और सेल के बारे में एक लाइन में समझा देता हूँ। जो हमारा सेल होता है वो सिंगल पावर जनरेटिंग यूनिट होता है, ठीक है। यानी सेल के अंदर एक ही यूनिट होता है, ठीक है, जो केमिकल एनर्जी को स्टोर करके, सेल हमारी क्या कहता है, केमिकल एनर्जी को स्टोर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी को स्टोर करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। और उसके अंदर फ्रेंड्स दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड जो कैथोड एनोड कहा जाता है, कैथोड जो पॉजिटिव होता है और एनोड जो नेगेटिव होता है, ठीक है। और जो हम अगर सेल के टाइप्स की बात करते हैं, उनके अंदर ड्राई सेल होते हैं, वेट सेल आते हैं, रिवर्स सेल आते हैं, फ्यूल सेल, इतने उसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। इस तरह फ्रेंड्स हम पैरेलल जो बैटरी होती है हमारी बैटरी, तो वो दो और उससे ज़्यादा सेल की बनी होती है। यानी बैटरी जो हमारी होती है वो सेल से ही बनी होती है, ठीक है, मगर उसमें दो से ज़्यादा सेल होते हैं, ठीक है। तो बैटरी के फ्रेंड्स उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी तरह और जो हमारी बैटरी होती है उसके टाइप्स की बात करें तो उसमें प्राइमरी बैटरी होती है और सेकेंडरी बैटरी होती है। प्राइमरी बैटरी जो नॉन रिचार्जेबल है, जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, और सेकेंडरी बैटरी को हम रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसके जो आप शॉर्ट में समझे आपको। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना तो मुझे कमेंट कीजिए, इसमें आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी हम जो हमारे बैटरी और सेल के कनेक्शन उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर दो बैटरी ड्रॉ करके रखी है। तो मान लीजिए ये जो मेरी बैटरी है ये 9 वोल्ट की दोनों बैटरी है, ठीक है। तो अगर इसके मेरे जो सीरीज में कनेक्शन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये हमारा नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है उसको हमें इस तरह से कनेक्शन करना है, ठीक है। और जो पॉजिटिव वाला है उसको निकाल के यहाँ पर डायरेक्ट पॉजिटिव सप्लाई देना है, और ये नेगेटिव को नेगेटिव देना है, ठीक है। तो जो ये हमने कनेक्शन किया वो हमने सीरीज में कनेक्शन किया है, ठीक है। तो क्या होगा सीरीज में हमारा फ्रेंड्स, जो तो ये टोटल हमारा वोल्टेज हो जाएगा 18 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी हमें जो आउटपुट यहाँ से मिलेगा ये बैटरी में से, वो हमें 18 वोल्ट मिलेगा। और मान लीजिए इसका जो एम्पियर 5 एम्पियर और है 5, तो ये कॉमन ही रहेगा, इतना ही रहेगा, ठीक है, एज इट इज़ रहेगा सीरीज में, ठीक है। यानी हमें टोटल वोल्टेज मिलेगा 18 वोल्ट दोनों का मिला के सीरीज में, और जो करंट है वो सेम ही रहेगा। और इसी तरह फ्रेंड्स जो ये हमारी पैरेलल में अगर हमें कनेक्शन करना है तो हमें पॉजिटिव टू पॉजिटिव को कनेक्शन करना होगा और नेगेटिव टू नेगेटिव कनेक्शन करना, और यहाँ से फिर एक वायर निकाल के इसको इस तरह से पॉजिटिव में देना है और ये यहाँ से निकाल के नेगेटिव में देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये मेरी 9 वोल्ट की दोनों बैटरी है और ये हमारे 5 एम्पियर वर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो वोल्टेज हमारा वो कॉमन देगा 9 वोल्ट, ठीक है, मगर ये हमारा जो एम्पियर वो डबल हो जाएगा 10 एम्पियर। सीरीज में होगा यानी हमें इसको प्लस करना है, ठीक है। और यहाँ पे करंट को प्लस करना है, वोल्टेज हमारा पैरेलल में एज इट इज रहेगा, जबकि सीरीज में हमारा वोल्टेज प्लस होगा 9 प्लस 9 18, और यहाँ पे हमारा एम्पियर करंट यानी एम्पियर और टोटल 10 एम्पियर होगा, ठीक है। तो सीरीज में क्या होगा फ्रेंड्स, वोल्टेज हमारा बढ़ेंगे, करंट एज इट इज रहेगा, और पैरेलल में हमारे जितने हमने वोल्टेज की बैटरी होगी उतनी वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलेंगे, और ये हमारा करंट वो ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यही सिंपल भी इसका कनेक्शन है, यही चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारे सेल है, ठीक है, जो 1.5 वोल्ट का है, और ये मेरे पास जो बैटरी है वो 9 वोल्ट की बैटरी है, दो तो यहाँ पे हम बैटरी में सीरीज पैरेलल का कनेक्शन करके देखेंगे। तो ये मेरी 9 वोल्ट की बैटरी है, इसमें थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप है, 6-7 वोल्ट बता रहा है। तो पहले जैसे मैंने सीरीज में हम कनेक्शन करके देखते, तो जैसे मैंने आपको बताया नेगेटिव पॉजिटिव का हमें कनेक्शन करना है, तो ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव लगा दिया इस तरह से, देख लीजिए, ठीक है, इस तरह से करना है बैटरी को, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये मैंने नेगेटिव पॉजिटिव किया, और पॉजिटिव में मुझे आउटपुट हम चेक करेंगे कितना हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि हमारा टोटल वोल्टेज सीरीज में करेंगे तो 18 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, और ये इस तरह से यहाँ पे, तो टोटल मिल रहा है फ्रेंड्स 14 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया जो हमारी ये बैटरी है
वो थोड़े वोल्टेड टॉप है ये रेड कली बार, ठीक है। तो इसके लिए ये 14 वोल्ट बता रहा है, मगर टोटल 9 वोल्ट की जो बैटरी है उसके हिसाब से तो हमें ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, 15 वोल्ट के अराउंड मिल रहा है, 14-15 वोल्ट के अराउंड, ठीक है। यानी सीरीज़ में हमारे वोल्टेज बढ़ जाते हैं, ठीक है। अभी जो हम पैरेलल में इससे कनेक्शन कैसे करने वो भी बता देता हूँ। तो इस तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव में हमें करना है और नेगेटिव नेगेटिव में किया, ठीक है। अभी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना में मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 7-7.5 जितना मिल रहा है, ठीक है। 9 वोल्ट की बैटरी जैसे मैंने आपको बताया, मगर मैंने बोला एक बैटरी में वोल्टेज ड्रॉप है, इसकी वजह से ये 7.5 वोल्टेज बता रहा है, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा, काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट था बैटरी सेल का जो सीरीज पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।